नमस्कार, मैं हूँ सुरभि सिंह और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 भोजपुरिया चैनल में। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं आपके फेवरेट सुपरस्टार पवन सिंह के बारे में। आपको बता दें कि पवन सिंह इन दिनों लंदन में अपनी फिल्म की शूटिंग को लेकर काफी ज्यादा व्यस्त हैं। जी हाँ, इन दिनों लंदन में वो अपने 3 फिल्मों की शूटिंग कर रहे हैं, जिनमें से 2 फिल्मों की शूटिंग पवन सिंह कर चुके हैं और अभी वो अपनी तीसरी फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। जी हाँ, आपको जानकारी दे दें कि उनकी दूसरी फिल्म में उनकी नई एक्ट्रेस हर्षिका पुनच्चा उनके साथ नजर आई हैं। जी हाँ, पहले आपको बता दें कि हर्षिका पुनच्चा आखिर हैं कौन। आपको बता दें कि हर्षिका पुनच्चा पहले कन्नड़ फिल्मों में काम करती थी और अभी उनका पहला डेब्यू फिल्म है पवन सिंह के साथ, जो जल्द ही आप सबके बीच आने वाला है। तो हर्षिका पुनच्चा ने अभी हाल ही में लाइव आकर पवन सिंह के बारे में काफी कुछ कहा है। उन्होंने क्या कहा है वो हम आप सबको जरूर दिखाएंगे, आगे देखें इस रिपोर्ट में। So, पवन भैया के फैंस, मेरे लिए भैया नहीं है, मेरे को स्टार है, आप लोग उनको पवन भैया बुलाते हैं, तो उनके फैंस के लिए मेरा नमस्कार। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपके सुपरस्टार, आपके पावर स्टार पवन जी के साथ मैं काम कर रही हूँ। मेरा शूट हो गया है, इसीलिए मैं लंदन से वापस आ गई हूँ। मैं बैंगलोर में हूँ, अपने घर में हूँ। बैंगलोर मतलब अभी घर में नहीं हूँ, अभी जा रही हूँ, घर जा रही हूँ। तो थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए, क्योंकि आप सब मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर रहे हैं, मेरे फोटोज आप अपलोड कर रहे हैं, एक नई नई भोजपुरी सॉन्ग के साथ आप मेरे फोटोज अपलोड कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई फील वेरी गुड और मुझे लग रहा है कि मैं वहाँ की हो गई हूँ और आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं। थैंक यू सो मच पवन सिंह, पावर स्टार। यस, दुर्गा यादव, आई नो आप बहुत बड़ी फैन हो पवन जी के, मुझे पता है, और मैं भी आपके स्टोरीज को शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आप बहुत बहुत बड़े फैन हो। तो मैं बोलती हूँ 100%, अगर मैं फिर से जाऊँगी लंदन तो मैं 100% पवन जी को बोलूँगी, नहीं तो वो जब आएंगे इंडिया और जब हम हमारे मूवी प्रमोशन कर रहे हैं तब मैं बोलती हूँ कि आपके बहुत बड़ी फैन है दुर्गा यादव। ओके पवन सर, बिग फैन। ओ फैंटास्टिक, पवन सर है इतने अच्छे, पवन स्टार, आपके पवन सर, पवन जी, पावर स्टार इतने अच्छे हैं, इतने अमेजिंग पर्सन है, मुझे इतना अच्छा लगा उनसे उनके साथ काम करके, बहुत सीखने को मिलता है उनसे, और इतने अच्छे सिंगर है। भैया कोई सॉन्ग गाइए। हाँ, कमरिया 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 ना 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 लॉलीपॉप लागेलू कनाडा पावर स्टार डेफिनेटली विद अपू सर। जैकी माड़ी दिन अला, हैव यू वॉच जैकी? निवेला जैकी नोड़ी दरा। पवन मैया का बर्थडे है किसका? 5th January है उनका बर्थडे, मुझे नहीं पता कब है उनका बर्थडे पवन जी का। January 5th को है, ओ मुझे नहीं पता था January 5th को पवन जी का बर्थडे है। आप सबके तरफ से हाय मिस ब्यूटीफुल, हाय आप सबके तरफ से बाबी डॉल, थैंक यू रातोड़ गॉर्जियस एंड तंगी, थैंक यू दीप, हाय हैरिसन। सो आप सबके तरफ से मैं उनको हैप्पी बर्थडे बोलूंगी। ओके, January 5th को वो शायद इंडिया 100% वापस आ जाएंगे, तब तक तो नहीं रहेंगे, हो जाएगा उनका शूट इस महीने कंप्लीट हो जाएगा, वो वापस इंडिया आएंगे, आप सब उनका बर्थडे आप सब सेलिब्रेट कर सकते हैं, फिर आप सेलिब्रेट, मुझे वहां आना पड़ेगा उनके बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए, देखते हैं अगर मेरा फिल्म टीम कुछ प्लान करेंगे तो मैं आऊंगी। वेलकम टू भोजपुरी इंडस्ट्री, थैंक यू भोजपुरी। पवन जी का कॉम्बिनेशन इतना अच्छा लगा, मैं देखती रहती हूँ यूट्यूब में, बहुत सारे वीडियोज आए हैं, हम डांस भी किए लॉलीपॉप सॉन्ग पे, आपको बहुत अच्छा लगा है, मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग इतना पसंद कर रहे हैं हमारे कॉम्बिनेशन। सो बहुत जल्द हमारा फिल्म रिलीज होगा, तो आप सब देखिए और हमें बहुत बहुत ढेर सारा प्यार दीजिए।
ठीक है। और आप मुझे इंस्टाग्राम में हमेशा फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं सबको रिप्लाई करती हूँ। लुकिंग मैग्निफिसेंट, थैंक यू, सबको रिप्लाई करती हूँ। और ऐसे ही ढेर सारा प्यार देते रहिए, और मुझे आप सबकी प्यार चाहिए, क्योंकि आपके प्यार से ही मैं क्या बोलूं, अपने इंडस्ट्री में अच्छे लेवल ले सकती हूँ, मतलब ग्रो हो सकती हूँ। सो आप सबको मुझे ढेर सारा प्यार देना है। तो सुन लिया आपने कि हर्षिका पुनच्चा ने पवन सिंह की कितनी तारीफ की है। जी हाँ, अभी अभी हर्षिका पुनच्चा की भोजपुरी इंडस्ट्री में एंट्री ही हुई है, और पवन सिंह की तारीफों के पुल बांध दिए हैं हर्षिका पुनच्चा ने। जी हाँ, आपको बता दें कि पवन सिंह का जन्मदिन भी 5 जनवरी को आता है, और उनके जन्मदिन को लेकर भी हर्षिका पुनच्चा काफी ज्यादा एक्साइटेड दिखी, और उन्होंने ये भी बताया कि अपने जन्मदिन से पहले ही पवन सिंह इंडिया वापस आ जाएंगे। तो फैंस, आप कितने एक्साइटेड हैं पवन सिंह को फिर से इंडिया में वापस देखने के लिए, हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जी हाँ, बाकी और खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।